आपका स्वागत है द न्यूज इंडिया में। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की खबर को। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई आदेश कलेक्टर और एसपी के निर्देश अनुसार दिए गए हैं और उसी अनुसार अवैध सट्टा जुआ और शराब पर पाबंदी है, जिसको लेकर प्रशासन अब कार्यवाही में जुट चुकी है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह जिले से आई आबकारी विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की, कच्ची शराब और महुआ लहान जब्त किए। आपको बताते चले कि पूरे जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। सोमवार की सुबह होशंगाबाद के बालागंज क्षेत्र में आबकारी की कार्रवाई हुई थी, जिसकी सूचना सिवनी मालवा के कुछ बुंदिया मोहल्ले तक पहुंच गई, जिसकी वजह से अवैध शराब बनाने वाले अपनी सामग्री को जंगल में छुपाने लग गए। लेकिन भारी तादाद में पुलिस आई थी, जिन्होंने सघन अभियान चलाया, जिसके तहत सारी सामग्री जब्त कर ली गई। आपको बता दें कुल मिलाकर 1100 लीटर महुआ लहान और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त करने में आबकारी पुलिस को सफलता हाथ लगी है और इस मामले को लेकर एसडीओपी सिवनी मालवा द्वारा जानकारी दी गई है कि पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश हैं कि कहीं भी अवैध शराब जुआ सट्टा हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, महिमा मिश्री, थाना प्रभारी अजय तिवारी, आबकारी विभाग के आला अधिकारी एवं आरक्षक सुरजीत एवं अन्य पुलिस कर्मियों की काफी सराहनीय भूमिका रही। काफी दिनों से कुछ बदलिया मोहल्ले में अवैध शराब कच्ची भट्टी महुए की बनाने की सूचना थी। कल दिनांक को रात्रि एसडीएम साहब कार्यालय में हमारे द्वारा इसकी टीम गठित की गई। आबकारी विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित करके और राजस्व विभाग को पुलिस विभाग ने आज संयुक्त कार्रवाई करी है, जिसमें करीब 1100 लीटर लहान और 100 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। और ये बहुत बड़ा जो इनका एक गिरोह था अवैध शराब निर्माण करने वाला को, इसको आज पुलिस और आबकारी विभाग और राजस्व से मिलकर ध्वस्त किया है। सर, ये किस प्रकार का अभियान चलाया गया होशंगाबाद के बाद सिवनी वालों? ये कलेक्टर साहब एवं एसपी साहब के निर्देशन में आज आकस्मिक रूप से एसडीओपी सिवनी मालवा, टीआई सिवनी मालवा, आबकारी की जिले की पूरी टीम और राजस्व की टीम सब मिलकर एक साथ में कुछ बंदिया मोहल्ले में दबिश दी गई। यहाँ अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बनाने की शिकायत थी, जिस पर आज अचानक कार्रवाई करने पर भारी मात्रा में अवैध शराब लाहन एवं सामग्री मिली, जिससे शराब बनाया जाता है, जिसमें से लगभग 1100 लगभग किलो महुआ लहन विभिन्न कुपियों में जब्त की गई, बरामद की गई, जिसे नष्ट किया जा रहा है, और शराब लगभग 100 लीटर से भी अधिक मात्रा में जब्त हुई है, जिनका पूरा कार्यक्रम पूरा किया गया है आज, और जिसके मध्य प्रदेश आबकारी 15 सब पर 34 के तहत कार्रवाई की जाती है।